तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू वाला में। इससे पहले आपको बताया BHDC 131, इसके सारे क्वेश्चन पेपर लगभग मैं सॉल्व करवा चुका हूँ जो मैंने आपको बताया था। लाइक सॉल्व का मतलब ये नहीं मैंने उसमें आंसर लिखवाए, मैंने आपको ये बताया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से आपको पेपर करना है। अब मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपको पता है उसमें कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे। एक क्वेश्चन उसमें से ये था, हिंदी साहित्य में काल विभाजन की समस्या। समस्या मीन्स कोई प्रॉब्लम। लाइक आपने सर की हिस्ट्री की क्लास ली होगी, आपने उसमें पढ़ा होगा जब हिस्ट्री को सर ने तीन पार्ट्स में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो लाइक इसी तरह हिंदी में जो होता है इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, हिंदी साहित्य में भी काल विभाजन की समस्या आई थी, लेकिन उसमें जो सबसे ऊपर नाम आता है वो रामचंद्र शुक्ल का आता है। अब देखिए, हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से हिंदी साहित्य में काल विभाजन किया, जिसमें एक है आपके रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हालांकि हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन मैं पेपर के पर्पज़ से आपको दो या तीन ही बताऊंगा और ना ज़्यादा आपको लिखने ना आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है और इस काल में क्या क्या परेशानियाँ थी। ये देखिए, साहित्य धाराओं में अनेक अनेक प्रवृत्तियों के आधार पर, लाइक आपको पता ही हमारा समाज है, समय के साथ परिवर्तन होना एक संभव बात है। जो भी ऐसी चीज़ होगी जो लिविंग थिंग्स है, आपको पता है सोसाइटी है, बदलाव होते ही रहते हैं। कहाँ तो हम बैलगाड़ी पे चलते थे, आज आप किस पे चल रहे, कार पे चल रहे, एरोप्लेन में चल रहे। तो हिंदी साहित्य का काल भी कुछ ऐसा ही रहा, ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें सेम टू सेम रही, समय के साथ चीज़ें वहाँ भी बदली। ये देखिए लिखा भी हुआ है, मानव समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, फलन साहित्य में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि कवि लेखक समाज में अविभाजन्य अंग है। अब आपको पता है एक जो राइटर होता है ना, वो समाज को कहते हैं, राइटर की कलम में बहुत ताकत होती है, उसकी देखने की दृष्टि एक अलग ही होती है। हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन एक राइटर और एक होता है जो वो एक चीज़ को अलग ही नज़रिए से देखता है, तो परिवर्तन तो इसमें आना ही है। फिर बात आती है, कवि या लेखक समाज का एक अविभाज्य अंग ही होता है, वह भी समाज परिवर्तनों का शिकार होता है, उसके ऊपर भी समाज समृद्धियों विकृतियों का प्रभाव पड़ता है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, अभी रिसेंट में ही एक पिक्चर रिलीज हुई है, उसके ऊपर विवाद चल रहा है, आदि पुरुष। अगर हम 90s की मूवीज़ वगैरह देखें तो आपको पता लगेगा वहाँ कपड़ों से लेकर सॉन्ग से लेकर पीछे की थीम्स वगैरह सारी अकॉर्डिंग टू उस समय की थी। लेकिन बात करें अब के टाइम की, तो VFX का टाइम है और आपको जो 3D मूवी वगैरह आप देखते हो चश्मे लगाकर, तो ये परिवर्तन का ही तो कमाल है। तो हिंदी साहित्य में भी आप देख रहे हो परिवर्तन होना संभव ही था। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि इस काल में विशेष समाज की परिस्थितियाँ भी विशेष रहती थी, परिस्थितियाँ कहती थी विशेष, उनकी विचारधाराएं भी तदनुकूल ही होती थी, इसलिए काल विशेष की रचनाएं भी परिस्थिति एवं विचारधाराओं के अनुरूप ही होती थी। लाइक जो भी चीज़ें उस समय चलती थी, जैसे वहाँ की कुछ समस्याएं थी या कुछ परेशानियां थी, या जैसी ऐसी मान के चलो उस काल के अंदर उपन्यास, नाटक, एकांकी, इन सब की रचना हुई, तो समय के अनुसार चीज़ें यहाँ पर बदलती रहीं। अगर आप इसमें से छोटा, अब देखो आता है राम शुक्ल का नाम, आचार्य शुक्ल का नाम, इसीलिए मैंने इनका नाम आपके लिए सबसे पहले लिखा था, क्योंकि इनका काल विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान है और सबसे पहले जो आपकी बुक है उसमें भी इन्हीं के काल विभाजन को दिखाया गया है। हालांकि काल विभाजन तो मान के चलिए कई व्यक्तियों ने किया है, 5 से 6 या 7 व्यक्तियों ने किया है, लेकिन आपको जो पेपर में लिखना है 2 या 3 ही लिखने हैं। इनके बाद जो नाम आएगा वो आएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देश का साहित्य वहाँ की जनता चित्रवृत्ति प्रतिबिंब करती है। देश के साहित्य में आपको पता है देश की समस्याएं या वहाँ की जनता का स्वरूप, कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पर होती है, इन्हीं चीज़ों को दर्शाया जाता है। किसके माध्यम से? साहित्य। ऐसा कहा जाता है समाज का दर्पण। आपने ये शब्द सुना होगा, ये जो साहित्य वगैरह होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? समाज का दर्पण। दर्पण मीन्स शीशा, जैसा समाज होता है उसको दिखाते हैं। अब आपकी डेली लाइफ से इसे कनेक्ट करते हैं, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें जो जेठालाल के दोस्त है तारक, वो क्या है? एक राइटर। तो वो भी जब कुछ बातें बोलते हैं आपने देखा होगा डेली लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो अकॉर्डिंग टू जैसा उन्हें सोसाइटी दिखती है या चीज़ें दिखती है उसी तरीके से वो अपनी नज़रों को वहाँ पर रखते हैं और कहीं ना कहीं कुछ सीख दे के हमें जाते हैं, और हमें उनकी बातें पूरी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा आपको वही समझदार लगते होंगे। हालांकि यहाँ आपको ये समझाना है कि एक जो विचारधारा होती है वो किस तरीके से काम करती है और क्या क्या उसमें बताया जाता है। अब देखिए, बात करूँ आपकी, जो आचार्य आपके थे रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने काल विभाजन 4 प्रकार से किया। उसमें था आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें जो आपका अभी करंट में चल रहा है, ठीक, मॉडर्न, 4 भागों में इसमें बांटा, आदि, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और आधुनिक काल। रामचंद्र शुक्ल का नाम आप याद रखेंगे। बात करूँ टाइम की,
1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900। इसमें बस आपको एक ही लाइन याद करनी है। अगर आप ना भी लिखें तो भी खाली आप इतना लिख सकते हैं कि कौन कौन से काल थे, टोटल चार थे। आचार्य शुक्ल का कथन यह है कि यदि भी इन कालों की रचनाओं का विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। इनका कहना ऐसा है कि मान के चलिए अभी बात करें आदिकाल की, तो इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई वो आदिकाल से ही संबंधित थी, ऐसा कहने को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। हालांकि काल का मतलब ये नहीं होता उस काल में जो भी चीज़ें होंगी वही होंगी। कुछ परसेंटेज मान के चलिए 70% चीज़ें उसी से रिलेटेड होंगी, लेकिन 30% वो बदल भी सकती हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कह रहे हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसे भक्ति काल में रीति काल को ही ले लो, इसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। यदि प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रकृति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा। इसमें बता रहे जैसे वीर गाथा काल में वीर रस मिला, तो ये जरूरी नहीं होता हर काल में उसी की चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये वाला आप लगा लेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। अगर आपको काल विभाजन करना है तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आपको पेपर में लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और उसके बारे में अगर आप दो तीन पॉइंट अपनी तरफ से बनाएं तो एक ये बनाना, किसी भी काल में पूरी रचना उसी काल से संबंधित नहीं होती थी। दूसरा पॉइंट, चीज़ों में बदलाव होता था। और थोड़े आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे वीर गाथा काल और वीर रस की इसमें बात आई थी, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद बात करूँ, देखिए दूसरा जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है। इन्होंने भी काल का विभाजन करा और इन्होंने भी इसे चार भागों में बांटा, तो ये तो आपके लिए एक आसान बात होगी। इससे पहले आपने किसका नाम पढ़ा? आचार्य शुक्ल जी का। उन्होंने कितने भागों में बांटा? चार भागों में। अब आप किसकी बात कर रहे हैं? अब आप बात कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इन्होंने भी चार कालों में से बांटा, ठीक, आदिकाल, भक्ति साहित्य, रीतिकाल, आधुनिक काल। लास्ट वाला तो दोनों का सेम ही है, आधुनिक काल, ठीक। ये इनका फिर टाइम भी लिखा है, ये कब से कब तक चला? ये चला आपका 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, और ये आपका चला 14 to 16, एंड ये चला आपका 16 to 19, और ये 19 to like mid, जो आज तक चल रहा है। आधुनिक मतलब वो होता है इन प्रेजेंट मॉडर्न टाइम, ठीक, कहते हैं ना मॉडर्न कल्चर है, तो कुछ उसी तरह को हिंदी में कैसे से आधुनिक। आपको दूसरा नाम किसका रखना है? ये रखना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और इनके अनुसार भी चार भागों में काल को बांटा गया था, ठीक है। तो ये आप आराम से कर लेंगे। शुरुआत इन्होंने किससे की? आदिकाल से, भक्तिकाल, रीतिकाल, और लास्ट वाला आधुनिक काल। धीरेन्द्र वर्मा, अभी आपके तीसरे और लास्ट, अगर और भी आप लिखना चाहते हो कि हाँ, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी इसकी दृष्टि से, ये कितनी थी इनकी दृष्टि, तीन प्रकार से इन्होंने बांटा, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये तो कुछ आपका हिस्ट्री की तरह हो गया। तो डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा क्या कहते हैं कि इन्होंने जो कालों को बांटा, ठीक है, क्योंकि समस्या का समय था, आपको पता है हर किसी की दृष्टि अलग अलग होती है चीज़ों को बांटने की। यही कारण है कि आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है जो डेट्स होती हैं, आप किसी बुक में तो कुछ और पढ़ लेते हैं डेट्स। जैसे लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था कि उसमें मैंने हिंदी में मलिक मोहम्मद जो जायसी थे उनके बारे में DOB लाइक उनकी, आप जो कह सकते हैं उनका जन्म का जो दिन था वो मैंने उसमें कह रहे थे, बच्चे गलत बताया है। तो कहीं ना कहीं बुक्स वगैरह में जो चीज़ें मिलती है, इंटरनेट पे जो मिलती है, उनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ये तो आप सभी जानते ही, जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हैं या बनाई हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से उस काल के अंदर नहीं थे। जो भी एविडेंस हमें मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हम चीज़ों को लिखते हैं, तो ये बात आप सभी को बताएं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको जो डिस्कस हुआ गया था, हिंदी साहित्य में काल विभाजन की समस्याएं, ठीक। तो इसमें आपने किन किन के बारे में पढ़ा? एक तो मैंने आपको शुरू शुरू में क्या बताया, आपको जो लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनसे आप स्टार्ट करेंगे, ठीक। कितने भागों में काल विभाजन करा है इन्होंने? चार भागों में, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको क्या मैंने बताया? दूसरा पॉइंट आपको बताया मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी कितने कालों में बांटा? चार। और लास्ट के टाइम पे जो आपके डॉक्टर थे उन्होंने कितने में बांटा? तीन भागों में। तो काल विभाजन को आप इस तरीके लिख सकते हैं। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जैसे आपको पता है, मान के चलिए ये आपका कोई भक्ति काल है, भक्ति काल, रीति काल,
जब वीर गाथा, तो एक चीज आपने और पढ़ी, भक्ति काल में जरूरी नहीं कि सारी चीजें भक्ति काल के ही बारे में हो, इसमें कितना 30% कंटेंट, इसमें कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी आप ऐड कर सकते हो। और समस्या आपको पता है क्या क्या समस्याएं रही, इनकी बात करूं तो आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी जी हैं, नाटकों में इनका एक अलग ही नाम है, इनके इन्होंने नाटक जो है उनमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, जो नाटक आज आप देखते हैं उससे पहले ये बुक्स में लिखे रहते थे, ना कि टीवी पे आते थे। और प्रेमचंद जी जो हैं वो इन सबसे अलग ही इनका नाम आता है, उनकी भाषा जो है, प्रेमचंद जी की जो भाषा है वो काफ़ी सहज और सरल थी, यही कारण है कि वो उनका नाम आप सभी को याद होगा, स्कूलों में भी आपने बुक्स वगैरह में उनके बारे में पढ़ा होगा। चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया भी था, ईद का नाम से चैप्टर है जिसमें हामिद नाम का बच्चा होता है। अब आप समझ सकते हैं 12वीं क्लास में ये चैप्टर पढ़ा था, आपको अभी तक याद होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रेमचंद जी की एक क्वालिटी है। मैं आपसे पूछूं कि आपको इनकी कोई कविता याद है, तो आप में से आए से ज़्यादा बच्चों का जवाब होगा नहीं, शायद आपको ये नाम भी ना पता हो किन के नाम है, लेकिन प्रेमचंद जी का कुछ बच्चों को याद होगा। तो इससे आप समझ लो प्रेमचंद जी फेमस क्यों हैं, उनकी क्वालिटी यही थी। इस पूरी कहानी को अगर आपने पढ़ाया आप सब बता देंगे कि उनकी दादी कौन थी, हामिद बाजार से क्या लेकर आया, तो इससे आपको ये पता लगता है। प्रेमचंद जी के ऊपर भी क्वेश्चंस तो आपका फिक्स है, जो आपको करना ही करना है, इनके बारे में भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।